मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारी वर्क करती है जेएसपी। आज जरा मैं एपीआई इसके बारे में आपको लिखवा दूं। चलिए डायग्राम तो मैंने कॉपी कर लिया था। ठीक है, अब एक नोट लिखो कल के बात के बारे में जो आपने कल प्रोग्राम कॉपी किया था लास्ट में छोटा सा। अब लिखो अकॉर्डिंग टू द जेएसपी स्पेसिफिकेशन, एक नोट लिखो बेटा, अकॉर्डिंग टू द जेएसपी स्पेसिफिकेशन द सर्वलेट क्लास, अकॉर्डिंग टू द जेएसपी स्पेसिफिकेशन द सर्वलेट क्लास according to the JSP specification, the servlet class which is generated from the JSP page must implement two interfaces. Number one, JSP page interface. Number one, JSP page interface. Number two, HTTP JSP page interface. HTTP JSP page interface. ठीक, और अब लिखिए पहला हेडिंग डालिए मेथड्स ऑफ, बैक के समय लिखवा रहा हूं, मैथ Methods of javax.servlet.jsp page interface. इसका पहला मैं लिखो public void jsp init, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, public void jsp init। लिखो इस मेथड के बारे में, दिस मेथड इज कॉल्ड फ्रॉम द सर्वलेट्स इनिट मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड from the servlets init method, you can override this method. ठीक, override की कहानी में भी आगे पढ़ाऊंगा बेटा। दूसरा मेथड लिखो पब्लिक वॉइड जेएसपी डिस्ट्रॉय, पब्लिक वॉइड जेएसपी डिस्ट्रॉय। लिखो इसके बारे में,
देश बना दिया। You can also override this map. शिखा बेटा आपका आईडी नहीं है, उससे लॉगिन करो बेटा। हाँ शिखा, आपका आपका वो था ना आईडी, उससे आईडी सुखबीर सिंह जी सर, एक मिनट कर लो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। सुखबीर सिंह कौन है ये? हाँ जी सर। बेटा अपने आईडी से लॉगिन कर ले मेरे बच्चे। सर अपनी आईडी से किया हुआ, सुखबीर सिंह से किया। अबे सुखबीर सिंह के नाम से किया हुआ लूलू तूने? तेरा ड्यूकेट का जो आईडी है वो कहाँ दिख रहा मुझे? ये जो बाकी बच्चों के नहीं दिख रहे हैं, चेक कर। आपको ड्यूकेट का आईडी कार्ड मिला होगा ना बेटा, उसके ऊपर एक आईडी होगा ना, वो यहाँ पे लिखो अपने नाम की बजाय, रीनेम करो इसे। ठीक है सर। और कोई दीपक कौन है? दीपक भी करो, अदरवाइज मैं दीपक को रिमूव कर दूंगा 5 मिनट के अंदर। दीपक बेटे रीनेम करो मेरे बच्चे। हाँ सर। अभी पिछले बैच में दो लोग लॉगिन करते हैं, पहले का नाम है बेबी को बेस पसंद है, एक इस नाम से लॉगिन कर रहा है, एक लॉगिन कर रहा है मैं दुनिया बुला दूंगा तेरे प्यार में। सारे आशिक यही आ गए। एक से एक चवनप्राश बैठे हुए हैं। क्या कर सकते हैं? चलो बेटा, तो हमने लिखवाया दिस मेथड इज कॉल्ड फ्रॉम द सर्वलेट्स डिस्ट्रॉय मेथड, यू कैन आल्सो ओवरराइड दिस मेथड। अगले इंटरफेस पे आओ बेटे, अगला इंटरफेस लिखो javax.servlet.jsp। javax.servlet.jsp.http पेज, और इसके आगे लिख लो एक्सटेंड्स जेएसपी पेज, एक्सटेंड्स जेएसपी पेज। और इसके अंदर एक ही मेथड है पब्लिक वॉइड, पब्लिक वॉइड अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस, पब्लिक void underscore जेएसपी सर्विस। और इसमें दो आर्गुमेंट जाएंगे, पहला एचटीटीपी सबनेट रिक्वेस्ट का, दूसरा एचटीटीपी सबनेट रिस्पॉन्स। पब्लिक void underscore जेएसपी सर्विस पहला आर्गुमेंट एचटीटीपी सबनेट रिक्वेस्ट, दूसरा आर्गुमेंट एचटीटीपी सबनेट रिस्पॉन्स। थ्रोस सबनेट एक्सेप्शन कॉमा आईओ एक्सेप्शन, थ्रोस सबनेट एक्सेप्शन कॉमा आईओ एक्सेप्शन। इसके बारे में लिखो बेटा, this method is called, this method is called from the servlets, this method is called from the servlet service method, from the servlet service method।
नेक्स्ट लाइन अंडरस्कोर मीन्स यू कैन नॉट ओवर राइट दिस मैथड. ठीक, अंडरस्कोर का मीनिंग है आप इस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं. ठीक, सर. हाँ जी सर, वाइट के जस्ट तुरंत बाद ही अंडरस्कोर रहेगा. किसके बाद बेटे? जो सर थर्ड वाला मेथड है सर इसमें. अरे बेटे ऐसे मेथड लिखना, अरे लिख के दिखा काहे को रहा है एस. चलिए बेटे अंडरस्कोर ये ऐसे ये मेथड अंडरस्कोर जो इसकी सर. ठीक है, यस सर. बस इसमें दो आदमी जो मैंने बताया. ये देखो साहब, मान लेते हैं हमारे सर्वर के अंदर पड़ी है एक माइक और जेएसपी और ब्राउजर से क्लाइंट उसकी रिक्वेस्ट करता है. देखो पहले स्टेप में क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी माई डॉट जेएसपी की, आ गई कंटेनर के पास. बेटे कंटेनर से अंदर से उठाई माई डॉट जेएसपी. अब कंटेनर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जनरेट करेगा सर्वलेट क्लास जैसा कल समझाया था, और जनरेट क्या करता है अंडरस्कोर माई डॉट जावा इन केस ऑफ वेब ऑब्जेक्ट. मैंने यहाँ लिख दिया है my underscore jsp dot java in case of Tomcat, underscore my dot java in case of web logic. तो container ने सबसे पहले java बनाई, फिर second step में container compile करेगा underscore my dot java को और generate करेगा underscore my dot class. तो container के अंदर ये वाला काम कौन करता है? jsp dot java बनाने का काम भी किसका है? यहाँ से देखो jsp engine का, उसे compile करने का काम भी किसका है? JSP इंजन का. जब ये क्लास कंपाइल हो जाएगी फिर शुरू हो जाती है कहानी सर्वलेट कंटेनर. फिर वेब कंटेनर कहा था ना, वेब कंटेनर के दो सेक्शन है, एक JSP इंजन एक सर्वलेट इंजन. फिर वो इसे मेमोरी में लोड करेगा. समझ लो अब यहाँ से सर्वलेट की लाइफ साइकिल शुरू हो गई, सर्वलेट शुरू हो गया JSP खाता. फिर ये काम कौन करेगा? सर्वलेट कंटेनर करता है. ठीक है, फिर वेब कंटेनर के अंदर इसका पहला मेथड ऑब्जेक्ट बना के भाई लोड कर दिया, न्यू स्टैंड से ऑब्जेक्ट बना दिया. फिर इसका पहला मेथड चलाया गया अंडरस्कोर जेएसपी इनिट. इनिट चलाने के बाद फिर वही थ्रेड शुरू की गई. चलता तो इनिट ओरिजिनल इनिट है, बट मैं तो जेएसपी के मेथड
स्क्रिप्टिंग एलिमेंट तीन टैग वाले, एक था स्क्रिप्टलर टैग, एक था एक्सप्रेशन टैग और एक तीसरा था डिक्लेरेशन टैग। सबसे पहले हम तीनों टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम डालिए स्क्रिप्टलर टैग और लिखिए इसके बारे में, फिर मैं समझाता हूँ उसके बारे में। लिखो JSP scripting elements, JSP scripting elements, lets you insert JSP scripting elements, lets you insert जाओ को जेएसपी स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स लेट्स यू इंसर्ट जाओ को इनटू द सर्वलेट that will be generated, that will be generated from the JSP page. All scriptlet tag or scriptlet tag and expression tag code lands in a service module. All scriptlet tag and expression tag code lands in a service method. That means variable declared. In a scriptlet tag are always local variables. पहली चीज है जेएसपी के मैं जितने टैग पढ़ाने जा रहा हूँ वो पूरे जेएसपी पेज में कहीं भी लिखे जा सकते हैं, उन्हें कितनी मर्जी चाहे बार रिपीट कर लो। ठीक है, आप दो एचटीएमएल के लगाओ, फिर जेएसपी का टैग लगाओ, फिर एचटीएमएल के लगाओ, फिर जेएसपी का टैग लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इनकी नेस्टिंग अलाउड है, एक जेएसपी टैग के अंदर दूसरा जेएसपी टैग नहीं आएगा, एक एचटीएमएल टैग के अंदर दूसरा जेएसपी टैग नहीं। स्क्रिप्टलेट टैग इसकी वर्किंग, सी हमने बनाई mygov.jsp, फिर एक एचटीएमएल बॉडी और ये परसेंट साइन से शुरू होगा, परसेंट पे खत्म होगा और यहाँ पर आपने सारे जावा के स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो क्लास बनती है तो कंप्लीट कोड ऑफ स्क्रिप्टलेट टैग इज शिफ्टेड इनटू द _jsp सर्विस मेथड और _jsp सर्विस चलता है सर्वलेट के सर्विस के अंदर से। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारा काम जो आप अपने सर्वलेट में सर्विस मेथड में किया करते थे वो सारा का सारा काम अगर आप जेएसपी में करना चाहते हैं तो आप इस स्क्रिप्टलेट टैग के कोड में करेंगे।
इसका मतलब सीधा सीधा कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला टैग जेएसपी में कौन सा हो गया, स्क्रिप्ट लेट टैग, क्योंकि आप अपने सबनेट में कभी सर्विस मेथड के बाहर गए ही नहीं, आपने सारा काम ही सर्विस मेथड में किया है। इसका मतलब बस जब भी आप स्क्रिप्ट लेट टैग में कोड लिखे तो दिमाग में ये रख के चले कि यू आर राइटिंग अ सर्विस मेथड ऑफ योर सबनेट क्लास, आप अपने सबनेट के सर्विस मेथड को लिख रहे हैं, ठीक, क्योंकि आप अपने सबनेट में कभी सर्विस के बाहर जाते ही नहीं, सारा काम ही सर्विस मेथड में करते हैं, इसलिए और वो सारा काम सर्विस मेथड वाला सबनेट का अगर वो जेएसपी में करना है तो आपको वो सारा कोड किसमें लिखना चाहिए, स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर, क्योंकि स्क्रिप्टलेट टैग का सारा कोड शिफ्ट हो जाएगा अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस, और अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस चलता किसके अंदर से, सर्विस के अंदर से चलता है। आई कहानी समझ में, जरा ये सामने वाला छोटा सा डायग्राम बनाओ, ठीक। अब सुनो, ये तो तय हुआ कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड कौन सा हो गया, सॉरी टैग कौन सा हो गया, स्क्रिप्टलेट टैग हो गया, इसी में हम सारा कोड लिखते हैं। अब अगर आप इस स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर सर्विस मेथड वाला सारा कोड करना चाहते हैं तो जब तक आपको इस पर्टिकुलर टैग के अंदर दो ऑब्जेक्ट नहीं मिल जाते तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, और वो दो ऑब्जेक्ट होते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के, आप जानते हैं पूरा का पूरे सबमिट पूरे दो ऑब्जेक्ट पे पूरा सबमिट रिक्वेस्ट सबमिट रिस्पॉन्स या एचटीटीपी सबमिट रिक्वेस्ट या एचटीटीपी सबमिट रिस्पॉन्स। अब वहां तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हमें सर्विस के अंदर ऐसे आर्गुमेंट में मिल जाते थे तो हम सारा काम इस ऊपर करते थे सबमिट पे, इन दो ऑब्जेक्ट पे सारा रीडायरेक्ट सर्च एंड ट्रैकिंग ये वो फ्लान ढिमकान सारा काम ही इन्हीं दो ऑब्जेक्ट करता। तो अगर हम सर्विस मेथड वाला सारा काम स्क्रिप्टलेट टैग में करना चाहते हैं तो जब तक हमें ये दोनों ऑब्जेक्ट स्क्रिप्टलेट टैग में नहीं मिलेंगे तब तक हम वो काम नहीं कर पाएंगे, इस टैग को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक। इसीलिए इन्होंने क्या किया, ये दोनों ऑब्जेक्ट हमें बने बनाए रेडीमेड दे दिए और आप इन्हें डायरेक्ट स्क्रिप्टलेट टैग में यूज कर सकते हो, लाइक req डॉट सारे मेथड चलाओ, response response drop और सारे मेथड चला, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हमें बने बनाए इनबिल्ट मिल जाते हैं इसके अंदर स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर, जिन्हें आप डायरेक्ट अपने स्क्रिप्टलेट टैग में यूज कर सकते हैं, वो सारा काम जो आप अपने सर्वलेट के सर्विस मेथड में करते थे यहां पर भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है जनाब। आती है हमारी बात समझ में सब को, अच्छे से ये काम आप खूबसूरती से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ऐसे दो नहीं, हमें पूरे 9 ऑब्जेक्ट बना के दिए गए, 9 रेडीमेड ऑब्जेक्ट हमें दिए गए हैं, तो जिन्हें हम जेएसपी के इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट कहते हैं, 9 रेडीमेड ऑब्जेक्ट बने बनाए हमें दे दिए जिन्हें आप डायरेक्ट यूज कीजिए, आपको सबमिट में इवन डायरेक्ट अपनी जेएसपी में यूज सर्विस स्क्रिप्टलेट टैग में यूज कर सकते हैं। जरा दिखाते हैं आप, ये सारे देखते हैं एपीआई, ये उनके ऑब्जेक्ट एचडी
सबनेट रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट, एसटीपी सबनेट रिस्पांस का रिस्पांस, सबनेट कॉन्फ़िग का कॉन्फ़िग, सीधा स्टिपलर टैग में जाइए कॉन्फ़िग लगाइए, सबनेट कॉन्टेक्स्ट का एप्लीकेशन नाम से, एचटीटीपी सेशन का सेशन, एक जेएसपी एक्सेप्शन क्लास है उसका एक्सेप्शन, और देखो जेएसपी राइटर है जिसने प्रिंट राइटर को इनहेरिट कर रखा है और इसका बना बनाया आउट है। तो अब आपको यहाँ गेट राइटर करके ये आउट निकालने की जरूरत नहीं, सीधा आउट डॉट प्रिंटलाइन चलाओ सीधा ब्राउजर पे। एसईएम में क्या पेज कंटेक्स्ट क्लास दी गई है उसका ऑब्जेक्ट है बना बनाया पेज कंटेक्स्ट, और एक ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट क्लास का बना बनाया पेज। ये कुल मिला के 9 रेडीमेड ऑब्जेक्ट होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ स्टिपलर टैग में ही यूज किए जा सकते हैं और कहीं इन्हें यूज नहीं कर सकते आप। तो चलिए जरा इन्हें जल्दी से कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सर लास्ट वर्ड क्या है ऑब्जेक्ट इसका पेज नाम का बना ऑब्जेक्ट क्लास का यस यस सर अब दिखाता हूं ये हमें बने बनाए ऑब्जेक्ट मिलते कैसे हैं। सी मैंने ये लगाया स्क्रिप्टलेट टैग परसेंट साइन से, देखो इसमें लिख सकता हूं रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर रिस्पांस डॉट सीधा आउट डॉट सेशन डॉट। अब आप जानते हैं ये सारा कोड आपका कहां जा आता है अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस के अंदर जाता है जो भी आप स्क्रिप्टलेट टैग में लिखते हैं। ये बनाया पब्लिक वॉइड अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस और इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट आते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पांस के। ये देखो ये जो आप रिक्वेस्ट यहाँ यूज करोगे ये लाइन यहाँ पे आएगी और ये ऊपर इसने वेरिएबल डिफाइन कर रखा है यहाँ पे लोकल वेरिएबल सबनेट रिक्वेस्ट का पूरा रिक्वेस्ट भी है ये रिस्पांस भी है ये। तो अगर यहाँ का कोड यहाँ आता तो ऊपर दोनों ये रहे। फिर उन्होंने क्या किया यहाँ पर सबसे पहले 9 के 9 रेडीमेड ऑब्जेक्ट गेट किए जैसे रिक्वेस्ट का यहाँ पे मेथड चला दिया गेट सेशन उसमें दे दिया ट्रू और यहाँ बना दिया एचटीटीपी सेशन ले रहा ठीक ऐसी यहाँ गेट सबनेट कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग निकाल लिया एप्लीकेशन सारे 9 के 9 यहाँ बना लेते हैं और ठीक उनकी सर्विस के अंदर ही बनाए जाते हैं लोकल है। इसी वजह से ये सारे 9 रेडीमेड ऑब्जेक्ट आप स्क्रिप्टलेट टैग के बाहर कभी यूज नहीं कर सकते। देखो रिक्वेस्ट डॉट लिखा रिस्पॉन्स और दोनों लाइन यहाँ आ गई तो ऊपर ये थोड़ा रिक्वेस्ट ये रिस्पॉन्स यहीं पर सेशन बना लिया कॉन्फ़िग बना लिया कॉन्टेक्ट बना लिया सब यहाँ पे बना लिया
और फिर उन जब वो सारे बना लेते हैं ठीक, उनके नीचे जाके स्क्रिप्ट लाइक टैग का सारा कोड इंसर्ट कर दिया जाता है और फिर ये सर्विस से चला दिया है। तो इस तरह से हमें ये 9 रेडीमेड इंप्लिसिट ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसी बना लो हो गया, कर दो क्लोज। यस सर। अब मैं एक्चुअली मैं आपको दिखाता भी हूं, मैंने आप लोगों के लिए संभाल के रखी हुई है वो क्लास जो एक्चुअली में जेएसपी से जनरेट होके आती है, और वो क्लास का मैं अगर आप कोड दिखा दूंगा, ये रहे। तो ये मैंने बनी थी कब 2005 में, देख सकते हो कितनी पुरानी क्लास ना आगे रखी हुई है, ठीक साहब। सो ये हमने बनाई थी सिंपल demo.js और उससे weblogic से बनी है _demo नाम की क्लास, उसी को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये देखो यहीं पर इसने अपने सारे के सारे 9 डेडिकेटेड ऑब्जेक्ट्स की डिटेल दी है जो मैंने अभी आपको लिखवाए थे कमेंट्स के फॉर्म में। फिर ये रही क्लास _demo। अब इसके अंदर दिखाता हूं मैं _jsp सर्विस में, ये देखो हमने केवल एक लाइन लिखी थी उसमें हेलो जेएसपी, उसके पीछे ये पूरा हाथी का अंडा तैयार होता है, पूरी सबमिट क्लास बन के आती है। और ये रहा _jsp सर्विस में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ। और ये देखो पहला रिक्वेस्ट ये रहा, तो अगर आप स्क्रिप्टलेट टैग में रिक्वेस्ट देखते हो तो यहाँ नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये रहा रेस्पॉन्स, ठीक। तो यही मैंने आपको बनाया लिखा है और यहाँ दिखा दिया, और नीचे आओ ये देखो गेट सर्वर कॉन्फिग चला रखा है, कॉन्फिग बना रखा है, कॉन्फिग से कॉन्टेक्स्ट निकाल रखा है, एप्लीकेशन बना रखा है, ये सारे यहाँ बना रखे हैं। पेज ऑब्जेक्ट टाइप में हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट डाल रखा है, ये रहा जेएसपी राइटर का आउट, फिर पेज कॉन्टेक्स्ट का भी निकाल के दे रखा है, जेएसपी राइटर को भी यहाँ पे पेज कॉन्टेक्स्ट से निकाला हुआ है। नीचे आप देखेंगे सेशन भी है कि नहीं। तो पहले यहाँ पे सारे के सारे ये 9 रेडीमेड ऑब्जेक्ट बना दिए। अब जो आप कोड लिखोगे स्क्रिप्ट टैग में वो ठीक इस लाइन के नीचे जाके पेस्ट कर दिए, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। वहाँ जो भी आप ऑब्जेक्ट यूज करोगे सारे यहाँ ऊपर बना तो दिए, आपको लाइव दिखा दिया आपको एक्चुअल क्लास के अंदर कैसा हो जो जेएसपी से जनरेट होके आपकी। अब आपको कुछ भी रखने की आपके सामने ऊपर बना हुआ है, तो ऊपर से सेशन भी बना हुआ है, कॉन्टेक्स्ट भी बना हुआ है, सारे तो बने हुए हैं, ऐसे ये काम करते हैं, ठीक जनाब। चलो तो अब आपको मैंने सारा का सारा जेएसपी का आर्किटेक्चर अच्छे से समझा दिया,
सारी कहानी अब आपको बता दी है। नाइन डेरिवेट इंक्रीमेंट ऑब्जेक्ट ये भी मैंने आपको लिखवा दिए हैं, और ये कैसे काम करते हैं ये भी मैंने आपको इसकी कहानी अच्छे से समझा दी है। अब चलेंगे हम अपने पहले प्रोग्राम, सर्वर शुरू कर लेते हैं। ये रहा हमारा लॉजिक, प्रोजेक्ट 11, और ये हमने अपने सर्वर को स्टार्ट कर दिया। अब हम एक और खोल लेते हैं, और यहाँ जो हमारे प्लस तीन फोल्डर में जो चलने थे तीनों को। यहाँ पर हमने लबाना बनाया, ठीक है, क्लासेस फोल्डर बनाना तो है, मगर इसके अंदर आपको कुछ भी रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्टली स्ट्रक्चर है, ठीक, मगर ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर वेब डॉट एक्सएमएल बनाइए, बनानी पड़ेगी आपको, लेकिन आप उसे ब्लैंक रखेंगे, सिर्फ वेब है, मैं सब डिलीट कर रहा हूँ। सिर्फ आपको इसे ब्लैंक बनाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक साहब, ब्लैंक बना के रख देना है। किसी प्रकार का कोड भी, वेब ऐप ओपनिंग, वेब ऐप क्लोजिंग, दैट्स इट, डायरेक्टली स्ट्रक्चर वही पहले वाला बनाना है जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं। और अब हम इसके अंदर ये डिलीट करेंगे, जो डेमो डॉट जेएसपीपी काम, ये देखो एचटीएमएल बॉडी परसेंट साइन आउट ऑफ प्रिंटलन सिंपल,
कौन है 25391 25391 तीन तीन बार लॉग इन कर रहा है भाई, क्या ये ऑलरेडी अटेंड कर रहे हैं 25391 25391 पता नहीं कौन है, सेम नाम से सेम आईडी से अलग अलग डिवाइस से लॉग इन कर रहा है, चलो बेटा देख सकते हो ये मैंने पहला आउट डॉट और जेएसपी के अंदर ये काम हमने कर दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना। अब सिर्फ करना क्या है, आप चाहे इसकी वार बना लो, तो मैं काम करता हूँ इसको एक्सप्लोडेड फॉर्म में फोल्डर को डिप्लॉय कर दूंगा और इसी के अंदर सारे जेएसपी पेजेस बना बना के आपको चला चला के दिखाता हूँ, ठीक। तो हमने पहला बना लिया है अच्छे से, ये देख सकते हैं आप सीधा पब्लिक कुछ नहीं किया, एक डेमो डॉट जेएसपी बनाई है और उसके अंदर ये कोड लिख दिया आउट डॉट प्रिंट एलएन, ये प्रिंट राइटर जेएसपी राइटर का बना बना ऑब्जेक्ट है, सीधा ब्राउजर पे भेज देगा। चलिए इसे एक्सप्लोरेड फॉर्म में डिप्लॉय कर देते हैं बेटे, अरे इसमें तो एक ऑप्शन आता है लाइव ऑन फेसबुक, क्या बात, अरे आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरी, आ रही सर, आ रही सर, बड़ी शांति से हो गई, मैंने कहा देखो कुछ आइटम बम तो नहीं गिर गया, तुम्हारे पास भी ऑप्शन आ रहा, मेरे पास इसमें ऑप्शन आ रहा लाइव ऑन फेसबुक, अगर मैं इसे सीधे वहां पे क्लिक मार दूं सीधा फेसबुक पे लाइव हो जाऊंगा, क्या बात, कहां से आ रहा है सर ये, हैं तुम्हारे पास आ रहा है ऑप्शन, तुम लोगों के पास, नो सर नहीं सर हमारे पास नहीं है, मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, आप पोस्ट हो इसलिए आ रहा होगा सर, हाँ इसी वजह से सर, फिर जो तो भीड़ लग जाएगी फिर ना, वो तो मैं 15 मिनट का लाइव रोक दूंगा चलो डिप्लॉय कर लेते हैं बेटे इसे, डिप्लॉयमेंट इंस्टॉल और अब हमें जाना होगा अपने जेएसपी में, जेएसपी ओपन डायरेक्टरी और जेएसपी के अंदर हमें डिप्लॉय करना न्यू डेमो नाम का पहला फोल्डर, अरे किंग हो गया न्यू डेमो, तुम दो भाई डेमो तो ये रहा, न्यू डेमो, ठीक है बेटा से नेक्स्ट, बाकी आपको आता ही है डिप्लॉय करना, से नेक्स्ट से नेक्स्ट से फिनिश, क्लिक मार देते हैं, अब अच्छा सा टाइप कर लिया, ये मैं चलो लिख लो यार क्या करें, डीएमओ डेमो डॉट जे, अब मैं पहली बार रिक्वेस्ट करूंगा, देखना थोड़ी सी डिले होके आएगी, एक टाइम लिया हल्का सा आ गया चेस, एक लाइन का, लेकिन अगर मैं यही कोड दोबारा चलाऊं
HTTP अब देखना कितनी फास्ट आएगी, क्यों अब ये क्लास मेमोरी में लोड हो चुकी है तो ऑब्जेक्ट भी बन चुका है, सिर्फ थ्रेड शुरू होगी सर्विस रेट। ठीक, अभी ये क्या लिखती है हमारे बाबा कॉलन की या कुछ और भी लिखा गया था, तुमने गूगल खोल दिया भाई ने, हमने कुछ और भी टाइप कर दिया साथ में, डबल डबल हो गया भाई, वहाँ पे सेमी कॉलन भी आ गया, HTTP:// अब फटाफट आ गया, नहीं आ गया पहले वाले से, अब क्योंकि मेमोरी में आ चुकी है तो सिंपल सा छोटा सा कोड लिखा हमने आउटडोर पे। सोचो यही काम जब हमने सबमिट में किया था, एक डायनामिक पेज बनाया था और हेलो सबमिट पे कराया था तो दम निकल गया था, इतना सारा हमें काम करना पड़ गया था। तो अब बात समझ आ गई होगी, एक छोटा सा हमने आपको ये स्क्रिप्टलेट टैग करके दिखाया, अब इसी में थोड़ा सा और काम करते हैं। अब वहां पे मैंने आपको सिखाया था बहुत अच्छे से लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड लेना, तो लॉगिन .jsp प्लस पैरामीटर .jsp और ये डाल देते हैं अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर, खोलते हैं ये देखो अब की बार वही फॉर्म, बस इस बार आपको भेजना होगा उस जेएसपी का नाम जिसपे डेटा भेजना था, पैरामीटर और जेएसपी भी मैंने भेजना है, कंट्रोल एस वही यूजर नेम पासवर्ड जाएगा। अब खोल लेते हैं पैरामीटर .jsp, ये देखो लगाया स्क्रिप्टलेट टैग्स, सीधा रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बना बनाया, गेट पैरामीटर दोनों वैल्यू ली, इवन रिक्वेस्ट डिस्पैचर भी निकाल के दिखा रहा हूँ, इसी डेमो .jsp को चला के दिखा रहा हूँ और इंक्लूड मेथड से उसके रिस्पॉन्स को वापस भी लेके आएगा, और फिलहाल मैंने यहाँ चेक किया इफ नेम इक्वल्स टू डुप्लीकेट है, पासवर्ड इक्वल्स टू डुप्लीकेट तो वैलिड देते हैं इनवैलिड, अभी से डाटाबेस से भी वेरीफाई हम करने वाले हैं तो फिलहाल सीधा चला लेते हैं एक्सप्लोरेट फॉर्म में, डिप्लॉय हमने कर ही दिया है, चलो जरा यहाँ से चलाते हैं लॉग इन .jsp। अब जरा कृपया से ध्यान तो दो एक छोटी सी चीज पे, ये देखो ये जेएसपी पेज है मगर इसमें कोई जेएसपी का टैग तक नहीं है, बट .jsp लगते ही जमीन और आसमान का फर्क हो गया, अब इसके पीछे प्रॉपर क्लास बनेगी, ये सारा कोड सर्विस मेथड में जाएगा और आउटडोर प्रिंटलन से ही भेजा जाएगा। अभी मेरी बात सुन में सबको अच्छे से, ऐसे होती है ये काम, ठीक है जनाब, जबकि अगर मैं लॉगिन .html बना दू तो स्टैटिक पेज है, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटेंशन का फर्क है, और देखो इससे ज्यादा तरीका आसान हो सकता है कि पूरी HTML को सिर्फ सेव कर दिया JSP में और डायनामिक पेज तैयार हो गया, सिर्फ मैंने एक्सटेंशन बदल दिया और डायनामिक पेज तैयार हो गया। चलो इसे चला के देखते हैं लॉगिन .jsp आ गया, डाला था हमने हेलो जेएसपी वाले, ठीक दूसरा कर देता हूं मैंने पेस्ट कर दिया है,
और अब मैं इसे चला के भी दिखाऊंगा। इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू आउट ऑफ कंपेलिंग मैनर। चलिए जरा हमने यहाँ पे चलाया था, रन करके देखते हैं इसे। सिंपली लिख देते हैं डेमो1.jpg। अब जरा देखिए एक्सप्रेशन टैग काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। देखो होता क्या है, आप जितने भी एक्सप्रेशन टैग लगाते हो अपने जेएसपी पेज के अंदर, हर एक एक्सप्रेशन टैग के लिए आउटपुट प्रिंटलन मेथड ही इंसर्ट किया जाता है। अगर आपने दो लगाए तो दो आउटपुट प्रिंटलन, और जो भी एक्सप्रेशन आप इसको पास करते हो वो आउटपुट प्रिंटलन के पेरेंट थीसिस में पेश कर दिया जाता है। मतलब चलता आउटपुट प्रिंटलन के थ्रू है, बस आपको आउटपुट प्रिंटलन अपने जेएसपी में लिखने की जरूरत नहीं है। तो जितने आप एक्सप्रेशन टैग लगाओगे अपने जेएसपी में, उतने ही आउटपुट प्रिंटलन मेथड इंसर्ट कर दिए जाते हैं अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस में, और जो भी आपको एक्सप्रेशन पास किया है एक्सप्रेशन टैग में वो आउटपुट प्रिंटलन के पेरेंथेसिस के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक, चलता आउटपुट प्रिंटलन है, फिर इसका हमें क्या फायदा हुआ? बिल्कुल सोचने वाली बात है, तो हम तो आउटपुट प्रिंटलन लिख दे तभी एक ही काम था, ये उसका अल्टरनेट है। नहीं तो मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों। सन माइक्रो सिस्टम अपनी जेएसपी पेजेस को पूरी तरह से टैग बेस्ड बनाना चाहता है। वो चाहता है कि जितने भी हमारे नॉन जावा प्रोग्रामर्स हैं, यानी कि जो जावा के प्रोग्रामर्स हैं नहीं हैं, वो भी जेएसपी पेज को डिजाइन कर सके। अगर वो पूरी तरह से टैग बेस बन जाए, देखो ना, अगर आप नॉन जावा प्रोग्रामर हैं और आपसे कहा जाए टैग लगा दो सीधा एक जेएसपी पेज पर, ब्राउज़र आपको चल जाएगी, तो आप ये कर दोगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको कहा जाए आउटपुट प्रिंटलन, तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो चाहते थे कि हम अपने जेएसपी पेज को इतना ज्यादा आसान बना दें कि इसको पूरी तरह से टैग बेस बना। आगे मेरी बात सुन ले, और सारा जावा का कोड पीछे उठा के क्लास के अंदर ले जाते हैं, पूरा का पूरा जावा को उठा के पीछे क्लास में ले जाते हैं, जिससे कि नॉन जावा प्रोफेशनल कैन आल्सो डिजाइन द जेएसपी पेज। इसी वजह से ये हमें इस पर्पस के लिए सिर्फ दिया गया। ठीक, तो जल्दी से पहले इसके दो रूल लिखो। Expression tag for each expression tag, one output compiler method is inserted. For each expression tag, one output compiler method is inserted into the underscore JSP service method. For each into the parent thesis of outbound compiler into the parent thesis of outbound never use, never use semicolon in an expression tag. Never use semicolon in an expression tag. ठीक,
इसमें कभी भी सेमी कॉलन मत यूज करना, क्योंकि अगर आपने सेमी कॉलन लगा दिया तो ये उठा के इंटरन के पहले थीसिस में भी सेमी कॉलन लगा देगा, जो कि एक इलीगल सिंटैक्स साबित होगा। जरा इसको बना लो। हो गया? यस सर। अब हम बात करते हैं अगले डिक्लेरेशन टैग। इसमें क्या होता है, आप अगर जेएसपी पेज के अंदर अपने खुद के वेरिएबल और साथ साथ फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं तो हम आपको डिक्लेरेशन देखो फंक्शन साथ यूज करते हैं। ये वेरिएबल डिफाइन कर दिया, इसी के अंदर एक फंक्शन बना दिया इन क्यू और इसका ट्यूनिट आपने कर दिया और फिर आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। हेलो सर, आपकी वॉइस कट रही है। क्या वो आवाज नहीं आ रही थी? सर आवाज नहीं आ रही है। अभी भी कट रही है। हाँ सर, आपकी आवाज़ ठीक आ रही है।